हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना है कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले आपका प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है, कोई भी मटेरियल जिसमें सिर्फ आपके एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। आप सिंपल से भाषा में ही बोलोगे कि कोई भी सब्सटेंस आपके सामने जो रखा है और उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। अब ये देखिए आगे, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप इसको एलिमेंट और कंपाउंड्स की कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड, ये टर्म्स आपको अभी समझनी है। इसमें देखिए मिक्सचर्स, ये नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, अभी पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि हम हमारी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, 119 के लगभग हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स हैं, ये कुछ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है, मींस वो मैनमेड है या रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस के थ्रू उनको डिस्कवर किया गया है। जैसे आप हाइड्रोजन की बात कीजिए या ऑक्सीजन की बात कीजिए, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें, इसका मतलब ये है कि उसमें उसी ही एलिमेंट के मतलब उसी एलिमेंट के एटम्स होंगे जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स पाए जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर, ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन के ही एटम्स पाए जाएंगे। इसका मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे NaCl होता है, आप अपने किचन में यूज करते हो NaCl को, जिसको आप साधारण नमक बोलते हो। तो जो आपका जो NaCl है उसके अंदर आप देखते हो कि सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। बेसिकली जो सोडियम और क्लोरीन है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन NaCl। और एक बेसिक सी बात है कि जो एक सोडियम आयन होता है, इट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन या Cl नेगेटिव आयंस, एंड ईच क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, या आप क्लोरीन आयन बोल सकते हो, सॉरी क्लोरीन आयन बोलेंगे। और क्लोरीन आयन किससे सराउंडेड होता है, बाय 6 सोडियम एटम्स या 6 सोडियम आयंस, मींस उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा उसके अंदर 6 होता है। अब हमने जैसे NaCl की बात की है, इस कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं NaCl के बारे में, तो अगर हम NaCl कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें सिर्फ NaCl या सोडियम और क्लोरीन की ही बात हो रही है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मींस कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो भी एक प्योर सेट में पाए जाते हैं, उसके अंदर भी एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। मे बी हो सकता है कि उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो थोड़ा डिफर कर सकता है, बट उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एटम्स पाए जाते हैं, इसलिए कंपाउंड्स को भी हम क्या करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर्स। मिक्सचर आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वन इज होमोजीनियस एंड वन इज हिट्रोजीनियस। As we discussed in our last lecture, कि homogeneous क्या होता है, homogeneous का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स, लाइक हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो फेज होगा वो सिर्फ एक ही होगा, आप उसको homogeneous बोल सकते हो सिंपल भाषा में, अभी इतना ही ध्यान रखिए। और जो आपका heterogeneous होता है, heterogeneous मिक्सचर में क्या होगा, आपका मोर देन वन फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, heterogeneous मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन। इसमें एक नई बात आप ऐड कर सकते हो कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, इनको आप क्या भी बोल सकते हो, सोल्यूशन भी बोल सकते हो। लेकिन जो ये मिक्सचर्स होते हैं, ये आपके तो अलग अलग कैटेगरीज में हो सकते हैं, मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपके लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपके गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, आप अपने सराउंडेड मतलब आपकी सराउंडिंग में क्या है, एयर एग्जिस्ट करती है, और जो एयर है आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, गैसेस मिक्सचर की कैटेगरी में रखोगे। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप साल्ट लेते हो और आप उसको वाटर में डिसोल्व कर देते हो, दैट मींस आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, नमक, जिसमें आपने नमक को पानी में डिसोल्व कर दिया है,
तो ये आपका लिक्विड मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। मिक्सचर मीन्स आप उसमें क्या कर रहे हो, मोर देन वन सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उनकी जो कंपोजिशन होगी वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ब्रास, ब्रास में क्या होता है, ब्रास आपका एक सॉलिड मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा, और ब्रास कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को अगर आप मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है, ब्रास मिलता है, दैट मीन्स इट इज अ सॉलिड मिक्सचर। आप यहाँ से ये समझ पाओगे कि जो मिक्सचर्स हैं वो आपके यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे, मेनली होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर। आगे हम उन्हें लाइक इसमें डिवाइड कर देंगे कि वो आपके गैसेस मिक्सचर भी हो सकते हैं, वो आपके लिक्विड मिक्सचर भी हो सकते हैं, वो आपके सॉलिड मिक्सचर भी हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो हमने अभी सीखा है, पीछे हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, लाइक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन वी डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। दीज आर थ्री स्टेट्स एंड दीज थ्री स्टेट्स कैन बी डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फाइव सेंसेस। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट मींस प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है, एक तो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे और एक आपके कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, या उनको सिंथेसाइज किया गया है विद इन लैब, बाय मैन मेड आप बोल सकते हैं। और कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स भी आपके मतलब मैन मेड हो सकते हैं और वो आपके नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में क्या होता है, आपका एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। मिक्सचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मिक्सचर्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है, वन इज होमोजीनियस, वन इज हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मींस जिनमें आपका उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर, आप उसको होमोजीनियस बोलोगे। और जो हेटरोजीनियस होता है, हेटरोजीनियस में आपका क्या होगा, उसमें आपके मोर देन वन फेजेस आपको दिखाई देंगे, उसको आप क्या बोलोगे, हेटरोजीनियस बोलोगे। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स को ये यहाँ पर नहीं सीखने वाली बात है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम ये समझते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक को ही समझते हैं, ऑर्गेनिक को समझ के फिर आपको इनऑर्गेनिक को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले ये बोला गया था कि ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं और जो कुछ हमारे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में कुछ मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से ये कंपाउंड हमें वहीं से मिलते हैं, ऐसे बोला गया था। बट फिर एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी जिसके थ्रू आप ये बोल सकते हैं ये चीज एक्सप्लेन की गई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। मेनली आपको ये समझना है, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन ये मेन एलिमेंट रहेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, और उनके साथ आपके कुछ यूनिक एलिमेंट्स लाइक फ्लोरिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और जिनका साइज स्मॉल होता है, वो इनके साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, इनको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हो। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ये बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर जो आपके बॉन्ड्स बनते हैं, बट आप ये बोलोगे यहाँ पे कि उनके अंदर कमी होगी, किस चीज की कमी होगी, कमी होगी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, मीन्स उनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कम पाए जाएंगे, आप उनको क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक से अपोजिट होते हैं, इन दिस सेंस कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड उनमें एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, बट इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी कम दिखाई देखने को मिलेगी यहाँ पर। दैट्स इट, यही है इसके बारे में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो कंपाउंड्स को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। जो एलिमेंट्स होते हैं आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आपका मेटल्स है, सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो आपको इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, मेटल्स क्या होती हैं,
नॉन मेटल्स क्या होती हैं और आपके मेटलॉइड्स क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स। मेटल्स आपके क्या होते हैं, आप अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे मेटल्स को ऑब्जर्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इनसे आपको पता है कि जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं या आभूषण बनाए जाते हैं इनसे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, तो आपकी लशर होगी, दैट मीन्स उनके अंदर एक चमक होती है और उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर उनके सरफेस के ऊपर लाइट आएगी तो वो टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है। और आपके ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो बहुत जल्दी कंडक्ट कर पाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स जो होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स वो एक पोल से दूसरे पोल तक किसी भी मेटल के वो जल्दी से मूव कर पाएंगे, इजिली मूव कर पाएंगे। यही कारण होता है कि उनके अंदर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो हमारा ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। हमें पता है कि जो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और डक्टिलिटी मेटल्स के अंदर ही पाई जाती है। अब जो मैलेबिलिटी होती है इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हैमर की हेल्प से अगर किसी मेटल शीट को इनटू थिन शीट्स, अगर आप उसको पतली पतली शीट्स के अंदर चेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग, आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या है, मैलेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, देन वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास कोई मेटल का पीस है एंड इफ वी कन्वर्ट इट इनटू लॉन्गर वायर्स, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि हम गोल्ड के एक छोटे से पीस से काफी लंबी वायर्स को हम उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो गोल्ड और सिल्वर है या आपकी मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होती हैं, गोल्ड इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आता है, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो एक खास बात ये होती है, जो हमारी मेटल्स होती हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पे। बट जनरली तो ठीक है, हमें ये पता है कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी है जो हमारी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो होती है हमारी मर्करी, जिसका हम थर्मामीटर में भी उपयोग करते हैं और उसके अंदर वो आप उसकी हेल्प से आप उसको टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, दे हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कोई भी आपके पास अगर सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका आप कोई भी एक छोटा सा पीस कंसिडर कीजिए और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वही आपकी क्या होती है, डेंसिटी। अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है वन यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो आप ये बोलोगे उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स जो डेंसिटी होती है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन इन अ पर्टिकुलर स्मॉल स्पेस। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे आप एक एडिशनल पॉइंट कंसिडर कर सकते हो अपने माइंड में, कि जो हमारी मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दीज आर मेटल्स। हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 65% जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दीज आर मेटल्स। ओके, और यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है मेटल्स के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं और उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को अभी स्टडी किया है उसके जस्ट थोड़ी अपोजिट ही होती हैं वो। देखिए, सबसे पहले, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड डू नॉट पोजेस लशर। ये आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई चमक नहीं होती और जो क्या करते हैं वो लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी मेटल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो आसानी से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती हैं, बट आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका, दे आर ब्रिटल इन नेचर। वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मीन्स भंगुर होता है, दैट मीन्स वो आसानी से जल्दी से टूट जाएंगे, आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो ब्रिटल होंगे नेचर में। नेक्स्ट है आपका, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने अभी समझा था कि जो मेटल्स होती हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ऑन द अपोजिट साइड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इनके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं या होते ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये आपके तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी, बट आपको इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हो सल्फर और फॉस्फोरस, दीज
नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, ब्रोमीन ब्रोमीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, या आपकी एक ऐसी नॉन मेटल है जो आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन होते हैं ये एलिमेंट आपके गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आप इसमें हाइड्रोजन को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटलॉइड्स, तो जो मेटलॉइड्स होते हैं ये आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसके एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल MJ Chemistry।